फ्रेंड्स, दिस इज साहिल रॉय और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल ई कॉमर्स स्कॉलर में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो जो क्लास 12 के मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, मैनेजमेंट सब्जेक्ट में एक टॉपिक आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग जो चैप्टर है उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का, दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है होता है डिविजनल, दूसरा होता है फंक्शनल। तो फंक्शनल्स के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं, उसके मीनिंग पे, एडवांटेज पे, डिसएडवांटेज पे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि डिविजनल स्ट्रक्चर कहते किसको हैं। तो आइए जानते हैं, जब ऑर्गेनाइजेशन का साइज बहुत बड़ा होता है, व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज इन साइज and is producing more than one type of product, then activities related to one product are grouped under one department. अब इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे टाटा कंपनी, तो टाटा कंपनी के अलग अलग ब्रांड, इनकी कुल मिलाकर की 95 सब्सिडियरीज हैं जो 150 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर अपने सामान को, गुड्स या सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसमें एक है टाटा सॉल्ट, एक है टाटा टी, एक है टाटा के जो कार्स आते हैं, एक है टाटा के जो ट्रक्स आते हैं। तो ये टाटा कंपनी के अलग अलग डिविजन्स हैं। जब कोई बहुत बड़ी कंपनी है जो जिसका स्केल ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, प्रोड्यूसिंग मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, सॉल्ट है, टी है, कार है, ट्रक है, एसेट्रा एसेट्रा, तो ये उसके डिविजन्स हैं। और इन डिविजन्स के अंदर खुद के सेपरेट फंक्शनल डिपार्टमेंट्स आते हैं, फंक्शनल डिविजन्स आते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर्स आते हैं। तो आइए जानते हैं और अच्छी तरीके से डिविजनल स्ट्रक्चर कहते हैं किसको। डिविजनल स्ट्रक्चर में बोला गया, व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज इन साइज एंड इज प्रोड्यूसिंग मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, देन एक्टिविटीज रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट। जब ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़े साइज का है और प्रोड्यूस कर रहा है एक से ज्यादा तरीके की प्रोडक्ट्स, तो जो भी एक्टिविटीज रिलेट करती है एक प्रोडक्ट को, उसे हम एक डिपार्टमेंट के हेड में डालते हैं। जैसे होता क्या है डिविजनल स्ट्रक्चर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टॉप लेवल मैनेजमेंट है, उसके नीचे मैनेजिंग डायरेक्टर्स आते हैं जो मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं, और ये मैनेजिंग डायरेक्टर्स को अलग अलग डिपार्टमेंट मिला हुआ है। जैसे एक टेक्सटाइल डिपार्टमेंट का मैनेजर होगा। अब ये जो टेक्सटाइल डिपार्टमेंट है ये बड़ी कंपनी का डिविजनल स्ट्रक्चर है। कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट डिविजनल स्ट्रक्चर है एक बड़ी कंपनी का। मेडिसिन डिपार्टमेंट डिविजनल स्ट्रक्चर है एक बड़ी कंपनी का। सोप डिपार्टमेंट एक डिविजनल स्ट्रक्चर है बड़ी कंपनी का। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बजाज ले लेते हैं। आपको मालूम है बजाज ऑटोमोबाइल्स बनाता है, मतलब बजाज की बाइक्स आती हैं, तो ये उसका एक डिविजन है। बजाज के इलेक्ट्रॉनिक्स आते हैं, ये एक उसका अलग डिविजन है। बजाज के फाइनेंशियल सर्विसेज, बजाज फिनसर्व कहते हैं, ये उसका एक अलग डिवीजन है। तो ये डिविजनल स्ट्रक्चर है। अब हर डिवीजन के अंदर फंक्शनल आता है। जैसे यहाँ पे बोला गया टेक्सटाइल डिपार्टमेंट, ये एक डिवीजन है, उसके अंदर प्रोडक्शन आएगा, परचेज आएगा, मार्केटिंग आएगा, फाइनेंस आएगा। सेम चीज इज एप्लीकेबल फॉर कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे इसमें भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट आएगा। मेडिसिन भी एक डिवीजन है जिसके अंदर इसकी जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है, प्रोडक्ट, परचेज, मार्केटिंग, फाइनेंस, सेम टू सेम इज एप्लीकेबल फॉर सोप, ये भी एक डिविजनल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, फाइनेंस आते हैं। ये था डिविजनल स्ट्रक्चर। तो सेम चीज़ अगर हम बजाज की बात करें तो बजाज की ऑटोमोबाइल्स में भी एक प्रोडक्ट डिपार्टमेंट होगा, परचेज डिपार्टमेंट होगा, मार्केटिंग होगा, फाइनेंस होगा, ये सारा का सारा यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। तो ये डिविजनल स्ट्रक्चर है किसी एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन का। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।